समझाना चाहता हूँ आज बेटा। देखिए, ये हमारे पास एक बैटरी, उसके साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है बेटा। उस रेजिस्टर के साथ एक दूसरा रेजिस्टर जिसको हम LDR कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। और ये हमें आउटपुट मिल रहा है बेटा, यहाँ पे हम आउटपुट भी कहेंगे या इसका नाम रखते हैं लाइट बल्ब, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब LDR का जो फंक्शन है, आज मैं ये चीज़ सिर्फ बताना चाहता हूँ बेटा। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लाइट आना शुरू हो गई, करंट आना शुरू हो गई, करंट ऐसे आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल करंट इस वे से आ रही है बेटा, ऐसे करंट इधर आ गई, यहाँ पे बहुत कम थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर आके देखते हैं कि यहाँ करंट आएगी या करंट ने इधर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से 10 एम्पियर, बहुत ज़्यादा करंट है ना, 10 एम्पियर यहाँ से आ रही है। अब ऐसा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कि ये दिन का टाइम है, दिन के वक्त अगर ये टाइम है तो यहाँ से लाइट पड़ती है इस लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के ऊपर, तो बेटा इसका जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम। जब कम हो जाएगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रेजिस्टेंस मैं लेता हूँ 1 किलो ओम, कितना 1 किलो ओम। इसका रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा कम हो गया तो बेटा हमारे पास ये जो 10 एम्पियर करंट आ रही थी, ये करंट जो है स्प्लिट हो जाएगी। जब ये स्प्लिट हो जाएगी तो तकरीबन आप यूँ कहें कि 9 एम्पियर करंट जो है वो इधर जाने लगती है और सिर्फ 1 एम्पियर जो करंट है वो इधर आ रही है। तो बेटा ये क्या होगा, ये काफ़ी नहीं होगा ना, ये काफ़ी नहीं होगा कि ये बल्ब ऑन हो जाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस रस्ते से ऐसी यूँ चली जाएगी और ये बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ऑफ रहेगा। और ये किस टाइम होगा, मतलब ये सिचुएशन हमारे पास किस टाइम होगी, जब लाइट होगी, जब हमारे पास लाइट होगी। अब क्या करता हूँ, अब ऐसा करना है बेटा कि दिन के बजाय हम रात का टाइम ले लेते हैं, मतलब डार्क कर लेते हैं इस चीज़ को। जब हमारे पास डार्कनेस होगी फिर क्या होगा, ठीक है। अब जब रात का वक्त हो जाता है तो लाइट इंटेंसिटी यहाँ नहीं होगी, कम हो जाएगी। बेटा लाइट इंटेंसिटी के कम होने से यहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। जब यहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा, तकरीबन कितनी ज़्यादा हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले के लिए था, दूसरे के लिए मैं लिखता हूँ कि अगर 1 मिलियन ओम हो जाए या 1 मेगा ओम हो जाए तो यहाँ की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, यहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इधर से करंट जो पास होगी वेरी वीक करंट, 0.1 ले दो, 0.1 एम्पियर, इतनी करंट। और बाकी 9.9 जो हमारे पास करंट है एम्पियर, वो इधर से आने लगेगी। सो ये हमारे पास जो लाइट होगा ये क्या करेगा बेटा, ग्लो कर लेगा ना, तो ये लाइट हमें ऑन मिल जाएगा। सो पहले क्या था बेटा, ऑफ मिल रहा था, फिर अभी ऑन मिल रहा। सो लिहाजा डार्क में यहाँ पे करंट जो थी वो ज़्यादा आने लगी तो बल्ब ऑन हो गया, और जब लाइट थी तो हमारे पास ये बल्ब ऑफ था। तो इसलिए ये जो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम होता है इसमें LDR का इस्तेमाल होता है बेटा, वो इस तरीके से होता है। तो लाइट जब होगी तो रेजिस्टेंस ये वाली हमारे पास कम होगी तो करंट इधर से पास होगी, ये बल्ब ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर लाइट हमारे पास नहीं रहेगी, इंटेंसिटी कम होगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और यहाँ की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो इधर से आसानी से लाइट आएगी।